हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। एक है न्यू विन स्ट्रिक आने वाला है और दूसरा है कि एटबॉल पूल का एक न्यू अपडेट आ चुका है, सो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले चलते हैं एटबॉल पूल का न्यू अपडेट के बारे में, और वो है 5.4.2 वर्जन का अपडेट जो कि 24 मई को ही अपडेट कर दिया था, लेकिन मेरे पास आज आया है। और इसमें जो जो न्यू चेंजेस है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ 5.4.1 वर्जन का, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हो। सो यहाँ पर मैं अपडेट करने के बाद गेम में आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली क्या इसमें चेंजेस हुआ है। सो गेम अपडेट हो चुका है और अभी मैं देखता हूँ कि इसमें क्या क्या न्यू चेंजेस हुआ है, सो आपको बताता हूँ। सो एटबॉल पूल का 10 इयर्स का सेलिब्रेशन हो रहा है और इसी खुशी में एटबॉल पूल ने अपना थीम चेंज किया है। जी हाँ, ये बहुत लंबा टाइम के बाद एटबॉल पूल ने थीम चेंज किया है और ये थीम कुछ नाइट सा लग रहा है, एकदम रात का सीन लग रहा है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये थीम। सो ये था एटबॉल पूल का फर्स्ट अपडेट, और नेक्स्ट मैं वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं न्यू पूल पास, जो 10 ईयर सीजन का न्यू पूल पास है, उसके सारे रिवॉर्ड्स आपको दिखाने वाला हूँ। सो वो वाला वीडियो भी जल्द आने वाला है। सो यहाँ पर अभी पूल पास लोडिंग लेगा क्योंकि यहाँ पर गेम अपडेटिंग लेगा क्योंकि अभी अभी मैंने अपडेट किया है इसी वजह से। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। जैसा कि मैंने बोला कि विन स्ट्रिक आने वाला है, सो ये है वो विन स्ट्रिक, 9th बर्थडे बैश विन स्ट्रिक, जो पहले भी आ चुका है, और ये है उसका क्यू, आपके सामने ये देख सकते हो, और ये है उसका रिंग। ये 9th बर्थडे बैश विन स्ट्रिक आने वाला है। अभी गेम में मूनलाइट टूर्नामेंट चल रहा है और कुछ दिन में मूनलाइट टूर्नामेंट होने के बाद 9th बर्थडे बैश विन स्ट्रिक आएगा। सो यही था आज का अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, और साथ साथ कमेंट्स करके ये बताना कि जो न्यू थीम वाला अपडेट है वो आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और इसके बाद जो एंड स्क्रीन आएगा वहाँ पर मैं वीडियो को दे दूँगा 5.4.1 का वर्जन अपडेट का।